सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दर्शकों को महेश आचार्य का प्यार भरा नमस्कार। और ये जो फिल्म की शूटिंग हो रही है, मेरे प्यार से मिला दे, बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है। हम लोग तो सारी फिल्म अच्छी ही बनाते हैं, अब देखने का नजरिया है। जिसके डायरेक्टर हैं, इसके जो मेन पिलर हैं वो हैं चंदन सिंह जी, जो काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत ही अच्छा डायरेक्शन कर रहे हो। बड़ा मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके। इस फिल्म के कैमरामैन हैं डी के शर्मा जी, जो कि बहुत ही हमारे पुराने मित्र भी रह चुके हैं। वो काफ़ी सालों से हम लोग साथ में स्ट्रगल किए हैं, काम किए हैं, और आज हम लोग इस लेवल पर काम कर रहे हैं। और इस फिल्म के हीरो हैं किशन जी, किशन राय जी, हीरोइन संचिता बनर्जी हैं। और मतलब बड़ी बहुत ही खुशी हुई। और मैं चंदन जी के साथ, मेरी एक दिली इच्छा थी कि इनके साथ मैं काम करूं। और पाँच साल से मैंने काफ़ी फिल्में आप लोगों ने मेरी देखी होगी और अच्छी अच्छी फिल्में देखी होगी। अब फिर एक अच्छा फिल्म करने का मौका मिला चंदन जी के साथ, और मैं बहुत खुश हूं कि चंदन जी ने इस बार मुझे चुना और इनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त। होता नहीं है, कॉमेडी किया जाता है। अब जैसे सर बोल रहे थे आप लोग, जिस बात में ग्लैमर की बात कर रहे थे, अश्लीलता की बात कर रहे थे, भोजपुरी फिल्में अच्छी बनती हैं। कुछ चंद मछलियां हैं जो तालाब को गंदा कर रही हैं, हम लोग उसको दूर करने में लगे हैं। अब देखिए साफ सुथरे गाने आ रहे हैं, अब ढोड़ी चोली खत्म हो रहा है धीरे धीरे, आप लोगों ने देखा होगा। और अभी देखिए हाल ही में फिल्म आई थी मेहंदी लगा के रखना, जो बम्पर हिट रही है। संघर्ष आई है, संघर्ष में भी मैं था, उसमें भी बहुत सुपर हिट चली, एक 50-50 दिन थिएटरों में चली है। तो ऐसा नहीं है, फिल्में अच्छी बनती है। नहीं, कॉमेडी के माध्यम से ये देख कहेंगे कि अगर आपको फिल्म अश्लील लगती है तो एक साथ बैठ के बोलते नहीं देखते ना परिवार लोग, तो अलग अलग देख लीजिए। देखिए मगर जाकर के भैया को बोलिए दूसरा शो में चल जाए, 12 से 3, 3 से 6 में बड़का भैया, और 9 से 12 में बाबूजी। नहीं नहीं, डायरेक्टर साहब के खड़े इसलिए हम कॉमेडी नहीं कर सकते क्योंकि हम कॉमेडी करने का पैसा लेते हैं। तो क्या अंदाज में करें, कुछ तो होना चाहिए, बात दरअसल वो है ना। अच्छा, और हमारी इस फिल्म में, हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा है कि हमारे को आर्टिस्ट है अनूप लोटा, वो भी कॉमेडियन है, तो उनके साथ हमारी जोड़ी है। इस फिल्म में मैं बहुत भोला वाला कैरेक्टर कर रहा हूँ। जैसे इसमें आप लोगों को या शायद वो कैरेक्टर याद होगा कि सबको मैं बोलता हूँ कि चलो मेला देखने, और फिर सब लोग चले जाते हैं, मैं ही खड़ा रहता हूँ। बोलता क्यों बोला, हमको कोई बोला ही नहीं जाने के लिए। तो फिर खुद से बोलता है, अरे चल बेटा लालचंद, चल मेला घूमने। जब तक कुछ बोलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। अनूप लोटा का कैरेक्टर ऐसा है कि बहरा है, कम सुनता है, तो उससे पूछा जाता है कि उससे पूछा जाता है कि तुम दिल्ली रहते हो, तो बोलता है ना ना दिल्ली में रहता हूँ। तो इस तरह की फिल्म है, काफ़ी कॉमेडी है, मतलब इसमें मसाला मिलेगा आप लोगों को। और गाने अच्छे हैं इसके, और गाने भी मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ इसमें, मैं एक्चुअली बेसिकली कोरियोग्राफर भी हूँ, ये सबको पता है। तो और बहुत जल्दी आपके थिएटरों में फिल्म जाएगी। पहले तो हम लोग टीजर छोड़ेंगे जी, फिर टेलर छोड़ेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से प्रचार करेंगे इसका। हो सके संभव हो तो हम लोग आपके थिएटरों में आपसे मिलने भी आए, हम लोग आएंगे जरूर, हम सारे कलाकार आपसे मिलने आएंगे आपके आशीर्वाद के लिए। क्या है कि ये मेरा फिल्म का कैरेक्टर है, मैं भोला हूँ, जो रियल में मैं भोला हूँ। पचास कैरेक्टर जो है वो 50 कैरेक्टर की नज़र में अकेले हैं फिल्म के अंदर, तो मैं इसलिए काला टीका दे दिया कि उन 50 कैरेक्टर का नज़र न लगे। बिल्कुल बिल्कुल, राज है कि वो 50 कैरेक्टर का नज़र इन पे न लग जाए, न लग जाए, क्योंकि ये 50 कैरेक्टर के नज़र में है। और सर बहुत खुशी की बात है कि अभी नज़र की बात हो रही है, यंगस्टर डायरेक्टर के साथ काम करने का अलग ही एक एनर्जी होता है कि मतलब आराम दबा के काम हो रहा है, मजा आ रहा है, जुनून के साथ।